जैन दोस्तों, सीओ और टीआईसी के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई, बच के रहना बड़ा घपला, यानी अनियमितताएं, यानी पैसे का हेरा फेरी और भ्रष्टाचार के सीधे आरोप। जीओसी की कोर्ट भनकारी में पाए गए दोषी, अब होगा कोर्ट मार्शल। हाँ जी दोस्तों, और आज आपने देखा होगा, आज हमारे पेंशन के पेमेंट का दिन था और शायद किसी की लटकी तो नहीं, और लटकी है तो जरूर एक बार पीसीडीए बात करें, या और पीसीडीए के जो नंबर है हमारे पास उपलब्ध है, एक बार जरूर संपर्क कर लें और पता करें आखिर क्या बात है। अदरवाइज अभी तक किसी का ये नहीं आया कि नहीं आई है, सबकी स्पर्श वालों की आ गई है और किसी की पेंशन लटकी नहीं है। और एक ऐसा आपको वीडियो दिखाऊंगा जब हम बात करते हैं, जब सिविल में किस तरह डॉक्टर या पढ़े लिखे लोग हमारा शोषण करते हैं, जब शोषण की हद हो जाती है तब लोग किस तरह रिटेलिएट करते हैं, उसका भी आप वीडियो दिखाऊंगा। सबसे पहले कि सेना के संबंध में खबर, एक कर्नल साहब यानी यूनिट के सीओ और लेफ्टिनेंट कर्नल यूनिट के टीआईसी, अब कोर्ट मार्शल का सामना। हाँ जी दोस्तों, खबर है वित्तीय अनियमितताओं को लेकर कर्नल और लेफ्टिनेंट कर्नल का कोर्ट मार्शल का सामना, और कैसे क्या कंडीशन है जरा इसको सुनना होगा। जैसे जब सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमला हुआ तो सैन्य प्रतिष्ठानों में स्वीकृत कुछ रक्षा कार्यों को पूरा करने में प्रक्रियात्मक खामियों और वित्तीय अनियमितताओं को लेकर एक इंजीनियर रेजिमेंट के कर्नल साहब, एक लेफ्टिनेंट कर्नल का जनरल कोर्ट मार्शल द्वारा मुकदमे का सामना करना पड़ रहा है पुलवामा में। यानी पुलवामा में जब सीआरपीएफ पे इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद सुरक्षा बढ़ाई गई थी कैंट्स की, जहां भी है आगे पोस्ट है, आप समझ सकते हो इंजीनियर्स के पास वर्क होता है, तो उन्हें जो काम मिला तो उन्होंने उस समय जहां जो पैसा मिला, फंड मिला, उसको कहीं गलत तरीके से उसमें हेरा फेरी की और उसकी कोर्ट फुनकारी में पाए गए। अब उनका कोर्ट मार्शल हो रहा है, यूनिट का सीओ और यूनिट का टीआईसी, आप समझ सकते हो कि अब वो जमाना चला गया। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण एएफटी की चंडीगढ़ बेंच द्वारा जीसीएम के यानी जनरल कोर्ट मार्शल के अधिकार को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करने के बाद जलंधर स्थित 11 कोर मुख्यालय द्वारा बुलाई गई जीसीएम 27 दिसंबर को गुरदासपुर में शुरू हुई। यानी 11 कोर जो जलंधर है उसकी यूनिट गुरदासपुर के अंदर 27 दिसंबर यानी परसों से कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू हुई है। सूत्र के मुताबिक उक्त रेजिमेंट को रक्षा को मजबूत करने और सैन्य परिसरों को आसपास सुरक्षा की जो भी चीज है उनको लगाने का काम सौंपा गया था। कर्नल तब यूनिट का कमांडिंग ऑफिसर था जो हाल ही में पश्चिमी सेक्टर में स्थानांतरित हुआ, जबकि लेफ्टिनेंट कर्नल सेकंड इन कमांड यानी टीआईसी थे। शिकायतों के बाद मामले की जांच के बाद कोर्ट फनकारी का आदेश दिया गया जिसने उन्हें उनके कृत्यों के लिए दोषी ठहराया गया। जनरल अफसर कमांडिंग जीओसी 11 कोर द्वारा उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया गया है, आप समझ सकते हो। उन पर सेना अधिनियम धारा 52F और 63 के प्रावधानों के तहत धोखाधड़ी के इरादे और अच्छे आदेश और सैन्य अनुशासन के प्रतिकूल कार्य करने का आरोप लगाया गया। यानी इनके ऊपर आर्मी एक्ट 5260 के तहत उन्होंने, आप समझ सकते हो, जब इस साल की शुरुआत में जनरल कोर्ट मार्शल बुलाई गई थी तो दोनों अधिकारियों ने सीमा के आधार पर एक याचिका दायर की थी जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। इसके बाद उन्होंने राहत की मांग करते हुए एएफटी के साथ साथ पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में भी दरवाजा खटखटाया। इसके बाद उन्होंने जो भी कोशिश किया आप उसको देख सकते हो, लेकिन सारी कोशिश दरी की दरी रह गई। एक कोर्ट फनकारी पहली बार जून 2019 में बुलाई गई थी लेकिन प्रशासनिक कारणों से इकट्ठा नहीं हो पाई। जुलाई 2019 में एक और कोर्ट फनकारी का आदेश दिया गया और ये कई इनकी कोर्ट फनकारी हुई। 2021 में कोर्ट फनकारी चलती रही, मामले टाइम बॉन्ड थे, उसको भी कोशिश हुई लेकिन कुछ दिन पहले आदेश में एएफटी के न्यायमूर्ति सुधीर मित्तल एयर मार्शल मानविंद सिंह की खंडपीठ ने कहा कि पहले हुई इस कोर्ट इंक्वायरी की कार्यवाही को रद्द कर दिया गया, इस प्रकार उनके आधार पर अर्जित कोई भी चीजें निरर्थक हैं। पीठ ने फैसला सुनवाया कि नवीनतम कोर्ट इंक्वायरी सितंबर 2021 में जारी की गई और उनकी रेजिमेंट को पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमले के बाद सुरक्षा को मजबूत करना, सैन्य परिसरों के आसपास के सुरक्षा को जिम्मेदार सौंपा गया था। कर्नल तब यूनिट का कमांडिंग अफसर था जो हाल ही में आप सुन सकते हो, समझ लिया होगा कि इंजीनियर रेजिमेंट के सीओ साहब हैं, टीआईसी साहब हैं, पैसा मिला भाई कि सिक्योरिटी लैप्स की वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे हम समझ सकते होता है, लेकिन उनमें आर्थिक विनिमयता यानी पैसे की हेरा फेरी, लालच से और कहीं ना कहीं बहुत सारी कोर्ट फनकारी चली, लेकिन अंततः उन्हें जनरल कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों, लास्ट में आप देखिए एक वीडियो जरा जबरदस्त देखिए, हमने आपको दिखाने का मतलब भी मैं बता देता हूं कि इनका एक पेशेंट है जो लखनऊ एम्स के अंदर है और जहां पर पैसे वाले और रेपुटेटेड डॉक्टर होते हैं, रेपुटेटेड मालिक होते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं,
बड़ी साफ सफाई होती है, लेकिन किस तरह ये डॉक्टर जो भगवान का हम रूप मानते हैं, ये किस तरह हैवानियत और शैतानियत पर उतर के आते हैं, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं कि हम जहां हैं, हम भी ECHS के जरिए सिविल में जाते हैं, तो जरा ध्यान रखना होगा, इनसे बात करने में झिझकना नहीं। ये कैसी, जब आप बोलते हैं, जब अभी लोग बोल रहे हैं तो कैसे भीगी बिल्ली बन के बैठा है नमूना, इसने 8 लाख रुपए गरीब किसान का बेटा आया था और वो उसको डेड हो जाता है, खत्म होने के बाद भी 2-4 दिन रखते हैं वेंटिलेटर ICU, और उसका 15 लाख का पैसा था, कुछ पेड किया, अब वहां पर जब उनके पास पैसा नहीं है तो बेचारे परेशान हो गए, वहां लोग पहुंचते हैं तो लोग उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, तब ये दादागिरी करते हैं, जब इनका गुस्सा फूटा है और जब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे ऐसी चीजें आई हैं, और इनको शेयर करना जरूरी है, क्योंकि ये अब वो राक्षस हैं कलयुग के, जो कि पढ़े लिखे हैं, टाई बांधते हैं, पैसे वाले हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, लेकिन इनका जो भूख है अब वो मिटती नहीं है, और भूख इनकी बढ़ती जा रही है, और हमारे गरीब लोगों का इस तरह शोषण करते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा बच के रहना, धन्यवाद। ये बात बताइए, अब पैसा नहीं है, ठीक है, 7.5 लाख रुपए जमा किया जा चुका है, पैसा कहीं पैर में नहीं रखा जाता है, आपको पता है, बोल दिया सर छोड़ने भैया, 1 लाख हम नहीं दे पाएंगे, वो काम छोड़ है, अभी वो किसान का बेटा है, वो कहीं लूट के नहीं लाएगा, कहाँ से लाके पड़ते हैं, बात हो गया, 4.5 बहुत देर से बात हो रही है, 4.5 लाख रुपए दे दिए, घूम रहे हैं, फटिया चूतिया, 2 घंटे से घुमा रहे हो तुम लोग, 3 दिन से घुमा रहे हो, अब तो मैं बॉडी लेके जाऊंगा, हमें दिखा दो तुम्हारी औकात हो, जहाँ क्यों मैं हाथ में हाथ उठा लूंगा, बॉडी कहाँ है, बॉडी कहाँ है, बॉडी है कहाँ, बॉडी हमारी आप दे दीजिए, चलिए चलिए बॉडी लीजिए, पहले चलो बॉडी दिखाइए, चलिए हमारी बॉडी पहले आप दिखाइए, कहाँ है, दिखाइए चलिए, पहले चलिए आइए, बना रहे आप, हाँ। 55,000 फॉलोअर्स हैं, 2 मिनट में तुम्हारा मेघांता अकाउंट खत्म होगा, बता देना उसको, ये मेघांता अस्पताल है, चोर बैठे हुए साले यहाँ, ये चोर बैठे हुए, 5 लाख आज पेशेंट को डट करके पैसा मांग रहे हैं, शर्म नहीं आ रही है, पेशेंट को डट करके पैसा मांग रहे, 1 मिनट जी, आप बोलिए, 4.5 लाख के एस्टिमेट बनाए थे, 14 लाख पहुंचा दिए, 3 दिन वेंटिलेटर पे डर रखे हैं, उसके बाद पैसा मांग रहे हैं, मैं जानता है, ये मैं जानता है।